पूछ रहे हैं, मुक्ति को ध्येय बना चुके व्यक्ति के लिए इनमें से सबसे ज्यादा क्या उचित है आचार्य जी सरकारी नौकरी प्राइवेट जॉब खुद का व्यवसाय सूची और लंबी काय नहीं करी इसमें तुमने आगे क्यों नहीं लिखा बेरोजगारी वो विकल्प क्यों हटाया महानुभाव आपको पता भी है कि आप किस केंद्र से पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं सरकारी नौकरी प्राइवेट जॉब खुद का व्यवसाय बेरोजगारी इसमें क्यों नहीं शामिल करी चोरी चकारी इसमें क्यों नहीं शामिल करी भाई कोई इसमें नियम थोड़े ही होते हैं तुमने तो जो तीन बड़े सम्माननीय विकल्प होते हैं भारतीय समाज में वो लाके सामने रख दिया कि बताइए यूपीएससी कर लूं या एमबीए वाला कर लूं या ऑन्ट्रप्रेनर बन जाऊं तीनों ही स्थितियों में तुम पाना क्या चाहते हो तुमने देखा है इन तीनों को पा करके तो दहेज अच्छा मिलता है मुक्ति का मुझे पता नहीं ये जो तीन रास्ते तुमने बताए इन तीनों रास्तों में साझी बात यह है कि ये तीनों लड़की बढ़िया दिलवाते हैं और दहेज बढ़िया दिलवाते हैं हमें तो नहीं पता कि सरकारी नौकरी से मुक्ति मिल जाती है हमें तो नहीं पता कि सरकारी नौ प्राइवेट जॉब से या अपने व्यवसाय से मुक्ति मिल जाती है मैं तो इसी बात पे हैरान हूं तुमने बेरोजगारी क्यों नहीं लिखा यहां पे क्यों नहीं लिखा भाई अगर मुक्ति ही तुम्हारा लक्ष्य होती तो मुक्ति के लिए जो भी रास्ता उचित होता तुम अपनाते ना अगर बेरोजगारी का रास्ता भी मुक्ति की ओर ले जा रहा होता तो तुम कहते बढ़िया बात है मुझे तो मुक्ति चाहिए कोई रास्ता हो पर तुमने बेरोजगारी लिखी ही नहीं है यहां पर इसका मतलब तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए तुम्हें वो सब कुछ चाहिए जो तुम्हें इन तीन रास्तों से मिलता है इन तीन रास्तों से तो मजा मिलता है काहे मुक्ति मुक्ति की बात कर रहे हो इन रास्तों से मुक्ति पालो यही मुक्ति है इन रास्तों से मुक्ति पालो वही चीज है कोई संबंध नहीं है बेटा कोई शास्त्र आज तक ऐसा नहीं लिखा गया जो इस तरह की साधना बताए कि हे वत्स अगर तुझे समाधि चाहिए तो दिल्ली में शाहजहां रोड में यूपीएससी भवन की तरफ जा न किसी उपनिषद में ऐसा वर्णित है कि अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो एक कैट नाम की साधना होती है उस पर विजय हासिल कर हुँ? ना ऐसा बताया गया कि मोक्ष की अभिलाषियों को तीन साल में अपनी कंपनी का ब्रेक इवन कर देना चाहिए और जिसने यह कर लिया उसको तत्काल सविकल्प समाधि मिल जाएगी सविकल्प क्यों क्योंकि निर्विकल्प आईपीओ के साथ मिलेगी अभी एक चीज बाकी रह गई ना कंपनी तो बनाई है जिस दिन तुम आईपीओ लेके आओगे उस दिन पूर्ण समाधि हासिल हो जाएगी ऐसे तो फिर जो हमारे अली बाबा हैं जैकमा वही दुनिया के सबसे बड़े बाबा होते अगर एंटरप्रेन्योरशिप से ही बाबागिरी सिद्ध हो रही होती तो ये सब मुक्त जन कहलाते ये सब कुछ नहीं है मुक्ति अगर चाहते हो तो अपने माहौल को देखो अपने आप से पूछो कि मेरे बंधन क्या हैं? उन बंधनों को काटने के लिए जो भी आवश्यक हो वो करो यही मुक्ति की दिशा में तुम्हारा सार्थक प्रयास होगा हाँ बिल्कुल आवश्यक हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में कि मुक्ति को हटाना है मुक्ति अगर पाना है तो इतना पैसा होना चाहिए जीवन में तो तुम कमा लो पैसा कभी कभी ऐसी विशेष परिस्थिति हो सकती है कभी ये भी हो सकती है मुक्ति के लिए आवश्यकता कि जिस शहर में रह रहे हो वहां नहीं रहना है कुछ भी हो सकता है ये तो व्यक्ति व्यक्ति की निजी परिस्थिति पर निर्भर करता है तुम अपनी निजी परिस्थिति की बात करो वहां देखो कि कौन सी चीजें तुम्हें जकड़े हुए हैं और फिर तय करो कि उनकी जकड़ से छूटने के लिए तुम्हें क्या चाहिए जो कुछ चाहिए वो करो